गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है निर्भय बनो और फणीश्वरनाथ रेणु है वो इसके लेखक है। फणीश्वरनाथ रेणु है वो प्रकृति के लेखक माने जाते हैं, पर इस पाठ में निर्भय बनो वह एक कथानायक मनमोहन है। उसके बारे में कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन में मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उसका झुकाव कैसे होता है, यह हमें इस अंश में दिखाई देता है। यह निर्भय बनो अंश है वो उसके उपन्यास कितने चौराहे का 7वां प्रकरण है उसमें से लिया गया है। और इस अंश के सभी पात्र है वो नव युवक है और उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनने का प्रयत्न भी किया जाता है। तो इस पाठ के द्वारा लेखक है वो हमें निर्भय बनने की प्रेरणा देते हैं। प्रियोदा, प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल के ही नहीं, उसे छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। तो मुठिया यानी एक एक मुठ्ठी अनाज, वो क्या करता है, एक एक मुठ्ठी अनाज वसूलने जाता है, यानी सन्यासी की तरह वो दर बदर भिक्षा मांगने जाता है एक एक मुठ्ठी अनाज। कभी वो अकेला जाता है, कभी वो अपने साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए तब दल सेवा में सब दल सेवा में जुटता रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद होते हैं। तो परमान है वो एक नदी का नाम है। तो उस नदी के पार सब प्रियोदा और उसके दल के सभी साथी मिलते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखने कर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठट्ठा कर हंसे लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे, बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगता है। गाना जानते हो, जी, तैरना, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे, सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसे उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मोहन मन पहले
लजाया, किंतु जब प्रियोदया के आग्रह किया तो उसने खरखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, बालूचर यानी रेती। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिल मिलाई, पखेरू दल बांधकर बास वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल की सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीब दिन पहिया हरब भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पन्या पीबेत काल लोटा लेकत छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी ठठाई, बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, एक पखेरु बालू पर गिरकर छपटाने लगा, उसका थोड़ा वकील होकर बहुत देर तक रोता रहा। मठ मेले अंधकार में एक अर्दलबी नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हाल्ट हाल्ट यानी रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी आठवीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सके गए, वह महीन बात देरी से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इनके रूल्स को मानना होगा, रूल्स यानी नियम। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कभी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। सासू आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रयोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गई। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा किए कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, मैदान में प्रेतनिया नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझ में हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या डर हो सकता है, चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करी भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो बच्चों,
यहाँ पाठ खत्म होता है। पाठ में हमने देखा कि कैसे है वो प्रियोदा मनमोहन को समझाता है कि हमें निर्भय रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, और डर के सभी लोगों को कहता है कि हमें है वो खराब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय सीखेंगे।